subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon. पिछले साल न्यूज़पेपर पे मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, आप में से बहुत से लोगों ने वो न्यूज़ पढ़ी होगी शायद, कि एक 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था जिसने अपना एक गोल सेट किया कि मुझे 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के एग्ज़ाम में 98% मार्क्स लेने हैं, और उसी बेस पे उसने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, उसी बेस पे उसने सोचना शुरू कर दिया कि मैं जब 98% मार्क्स लूँगा तो मैं फ़लाँ कॉलेज में जाऊँगा, मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। एग्ज़ाम हुए, उसने 96% मार्क्स लिए और उसने सुसाइड कर ली। ऐसी दुनिया में बहुत से स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम्पल मौजूद है, ये सिर्फ एक या दो स्टूडेंट्स नहीं हैं, बहुत से स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम्पल मौजूद है कि जो कम नंबर आने की वजह से सुसाइड कर जाते हैं। ये तो हो गई एक एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल। अगर मैं बात करूँ उन स्टूडेंट्स की कि जो कम नंबर आने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो जाता है, यानी कि वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि हम क्या करें। ये सिर्फ एक या दो स्टूडेंट्स नहीं होते, पूरी दुनिया में इस तरह के लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स मौजूद हैं, और ये सिर्फ उस वजह से होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक गलत ट्रैक पर चलना शुरू कर देते हैं। अगर मैं आपको ज़िंदगी की एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल दूँ तो वो ये होगी कि एक क्रिकेट का मैदान है और आप बैटिंग कर रहे हैं, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं है। ये सिर्फ क्रिकेट की एग्जाम्पल नहीं है, ये लाइफ की एग्जाम्पल है कि आप अकेले खिलाड़ी हैं, अब आपके बाद भी कोई खिलाड़ी नहीं आएगा, सामने से लाइफ है जो एक के बाद एक आपको बॉल फेंक रही है, लाइफ सामने से बॉल करवाती है, आप पैर घुमाते हो, बॉल मिस हो जाती है, अब क्या करोगे, सुसाइड करोगे, मर जाओगे? इस बात को समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, क्या कहोगे आप उसको, सुसाइड कर लो? नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये सब कहोगे उसे क्या? अरे नहीं यार, जिंदगी इस चीज़ का नाम नहीं है जैसा हम सोचते हैं, जिंदगी उससे कहीं परे है। क्या हुआ, जिंदगी ने एक बॉल फेंकी जो कि अपॉर्चुनिटी की शक्ल में थी। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, माना कि अगर वो अपॉर्चुनिटी आप गेन कर लेते तो कुछ अच्छा हो सकता था, पर अब अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी खो दी है तो क्या हो गया भाई, लाइफ फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी, लाइफ फिर आपको एक मौका देगी। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था ना कि अब आप मैदान में वो आप एक सिंगल खिलाड़ी हो जो कि मैच जितवा सकते हो, यानी कि वो आप अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हो, लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब आप मैदान में खड़े रहोगे, जब आप मैदान छोड़कर भागोगे नहीं। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, लेकिन ये तब होगा जब आप पिच पर डटे रहोगे। लाइफ का काम है कि वो एक के बाद एक बॉल फेंकती है, वो बॉल अपॉर्चुनिटी की शक्ल में हो सकती है, लेकिन ये अब हम पर है कि वो हमने कैसे अपॉर्चुनिटी को गेन करता है। समटाइम हम जिस अपॉर्चुनिटी को छोटा समझते हैं, वो अपॉर्चुनिटी उस अपॉर्चुनिटी से कहीं बेहतर और बड़ी होती है जिसको हम बड़ा समझते हैं।